जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। अरे भाई छेड़ो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं, आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी हमारा एक भी नहीं गिरेगा? ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है, जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। आराम से जनतेने स्विंग म्हणजे 205 मेजॉरिटी येईल अशा प्रकारचं चित्र सध्या तरी दिसतंय। आणि मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्र मोदी साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय। ओके, संपूर्ण महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय आणि त्याच्यामुळे महायुतीला एक प्रचंड असं यश त्या ठिकाणी मिळतंय। आता रडीचा डाव संजय राऊत विरोधी पक्ष खेळायला लागले, या लोकशाहीचा विजय नाही। मला वाटतं लोकशाहीमध्ये आपण पराभव सुद्धा मोठ्या मनानं स्वीकारावा लागतो। संजय राऊतला आता पागलच्या दवाखान्यामध्ये ऍडमिट करावं लागेल। आता तरी त्यांनी हवेतनं आकाशातनं जमिनीवर लँड व्हावं